सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे लॉन्चर के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन की लुक को नथिंग फोन जैसे लुक में बदल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको इस लॉन्चर को डाउनलोड कहां से करना है और आपको इसको अपने फोन पर सेट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नथिंग फोन वाला लॉन्चर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ सर्चिंग बॉक्स में टाइप करना है नथिंग फोन लॉन्चर और आपको इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको इस वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हम इसको पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ सेट एस डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको नथिंग लॉन्चर को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, सारे परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फोन में नथिंग वाला लॉन्चर अप्लाई हो चुका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा सिस्टम आपको नथिंग जैसा ही देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। फिर यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना है, फिर आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और आपको चेंज सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहाँ पे आपको नथिंग लॉन्चर वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और आपको इसको अलाउ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा, फिर आपको यहाँ टिक पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको स्क्रीन पर होल्ड करके रखना है, फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी शॉर्टकट में एड करना है आप इसको यहाँ से एड कर सकते हैं। जैसे आपको फेसबुक को शॉर्टकट में एड करना है तो सिंपली आपको फेसबुक पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो साइड देखने को मिलेगा। जो आपको एड करना है आप इसको यहाँ से एड कर सकते हैं। जैसे आपको नोटिफिकेशन वाला एड करना है तो सिंपली आपको टॉप नोटिफिकेशन को क्लिक करना है और इसको आपको स्क्रीन पर लाकर रख लेना है। इसके बाद आपका जब भी फेसबुक से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको नथिंग वाला वॉच एड करना है तो सिंपली आपको फेसबुक नोटिफिकेशन वाले को सिलेक्ट करना है और इसको आपको पहले रिमूव कर लेना है, फिर आपको स्क्रीन पर प्रेस करके रखना है और आपको दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर यहाँ पे आपको नथिंग लॉन्चर वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम डिजिटल क्लॉक को ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको डिजिटल क्लॉक को सिलेक्ट करके रखना है और आपको अपने डिस्प्ले ब्लैक इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। आपको जो ऐड करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपका डिस्प्ले पूरा सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फोन का पूरा ऑप्शन नथिंग जैसा ही हो चुका। अगर आपको इसमें और भी कस्टमाइज करना है तो आप इसको इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए